हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे गर्मी के दिन में अभी फराटा फैन की काफ़ी डिमांड है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि फराटा फैन ले या ना ले, क्योंकि फराटा फैन में एक बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि उसका हवा बहुत अच्छा होता है, और एक डिमेरिट ये होता है कि वो ऑक्सीलेशन नहीं करता है, मतलब वो दाएं बाएं घूमता नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कस्टमर की क्या करे, ले या ना ले। तो फ्रेंड्स, उसी का सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। सोल्यूशन बोले तो आप देख सकते हैं, ये क्रॉम्पटन ब्रांड का है फराटा फैन। तो फ्रेंड्स, इसका एक सेट हम लोग के पास यहाँ पे कसा हुआ है। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका बिल्ड क्वालिटी का आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा हैवी मटेरियल से बनता है, देख सकते हैं, और काफ़ी इसका वजन होता है। इस तरह से आप ये एक तरीके से आपका काफ़ी ड्यूरेबल फैन है, आपका काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलेगा। कभी गलती से अगर गिर भी जाए तो आपका ये कुछ जल्दी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि पूरा मेटल इसमें इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक का सिर्फ एक ही दो जगह पे इसका लोगो लगाने में, या फिर इसका जो स्क्रू है, या फिर जो इसका पीछे आपका दिया गया है रोटेट करने के लिए, इस सब में ही सिर्फ प्लास्टिक का यूज़ है, और कहीं प्लास्टिक का इसका यूज नहीं है। और फ्रेंड्स, सबसे खासियत इसका ये होता है कि इसका आपका एयर थ्रो ज़बरदस्त होता है। इसमें आपको एयर इतना लाजवाब मिलता है, फ्रेंड्स, इसका जो एयर थ्रो है ये आराम से कम 30 से 35 फीट तक आपका आराम से जाएगा, इतना अच्छा एयर थ्रो आपको मिल जाता है इसमें। और ऑक्सीलेशन नहीं होने के कारण अगर आप इसे नहीं ले रहे हैं, या फिर अगर आप नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये अच्छा खासा आप दूर पे रखते हैं, इसे कम से कम 10 से 15 फीट दूर में रखते हैं, तो ये लगभग 10 फीट का एरिया आपका कवर कर लेता है। तो इसमें फिर आपको ऑक्सीलेशन का उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑक्सीलेशन इसमें नहीं दिया जाता है। क्योंकि वेट ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीलेशन का जो भी मैकेनिज्म होता है वो प्लास्टिक फाइबर से बनता है, तो जो कि काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए कंपनी उसे अवॉइड करती है इस मॉडल में। और फ्रेंड्स, बात कर ले, इसमें दो तरह के मॉडल आते हैं। जो ये मॉडल है इसमें 3 ब्लेड हमें मिलते हैं, और इसमें जो नॉइज़ लेवल है ये काफ़ी कम होता है, और ब्लेड काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े ब्लेड होते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक मॉडल और आता है जिसमें आपको सिर्फ 2 ही ब्लेड होंगे, लेकिन उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देगा। इसमें आपको उतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं सुनाई देगा, लेकिन डबल ब्लेड वाला में आपको काफ़ी नॉइज़ सुनाई देगा। इसका बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते हैं पीछे से। और एक चीज़ है फ्रेंड्स इसमें, कि अगर आपके इलाके में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है तो कूलर को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कूलर आपको उतनी अच्छी ठंडी हवा नहीं दे पाएगा। आपको उसके लिए एक फराटा फैन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फराटा फैन जो है मौसम में भी आपको एयर थ्रो के बदौलत काफ़ी रूम को अच्छा ठंडा कर देता है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, और भी कंपनियां बनाती हैं इस तरह के फ़ैन। आप देख सकते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से पसंद करके ले सकते हैं। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो हम लोग देने का पूरा कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसका वारंटी का, तो इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है। अदर ब्रांड ज़्यादातर इसमें 1 ही साल की वारंटी देता है, लेकिन क्रॉम्पटन ब्रांड है, वारंटी के मामले में काफ़ी अच्छा है और सबसे ज़्यादा ही वारंटी देता है। और फ्रेंड्स, बात कर ले प्राइस का, तो लगभग ये 3500 के आसपास में आपको मार्केट में या ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, अदर ब्रांड में अगर जाइएगा, उषा में जाइएगा, तो थोड़ा सा 200-300 रुपये आपको महंगा पड़ेगा, बजाज में 200-300 रुपये सस्ता पड़ेगा। कुल मिला के लगभग उसी रेंज में अच्छे अच्छे ब्रांड के आते हैं इस तरह टाइप के। और फ्रेंड्स, एक अगर आप यूज़ कर रहे हो 2-3 साल से और आपको कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रहा हो, तो एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब इसके बूश के अंदर गंदगी चली जाती है, तो यहाँ से देखिए एक तेल डालने का ऑप्शन रहता है, जिसमें आप मोबिल भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी पतला तेल आप डाल सकते हैं, जो तेल आसानी से इसमें चला जाए। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपका वो फिर से फ्री हो जाएगा और फिर मोटर अच्छी तरह से
तरीके से रनिंग करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।